हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्लास मार्किंग टेक्निक को कैसे और आगे लेके जाया जाए और उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके अंदर हमने जो हॉर्स है उसके अंदर हमने शेडिंग करनी स्टार्ट करी थी, जिसका हमने एक इतना पोर्शन लगभग हमने बनाया था। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा। तो आज जो इसके आगे वाला पोर्शन है, इसके हेयर वाला पार्ट है, या इसकी स्किन कैसे बनाई जाती है, या इसके अंदर ब्राइटनेस या बहुत ब्राइट टोन कैसे दी जाती है, हाइलाइट्स कैसे दी जाती हैं मेजरली, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है आपको सेकंड पार्ट के अंदर नए पॉइंट्स और जानने को मिलेंगे ही, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट और देखते हैं आज क्या क्या नई नई बातें पता लगने वाली हैं। और ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक जरिया है, एक तरीका है बताने का कि ग्लास मार्किंग पेंसिल को कैसे अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और चीज़ें नहीं बन सकती। जाहिर सी बात है इसके अंदर पोर्ट्रेट भी बन सकता है, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, लाइव ड्राइंग, कोई कार्टून, कोई और ऑब्जेक्ट, सब कुछ बनाया जा सकता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कैसे डार्क पेपर पे, यानी ब्लैक पेपर पे वाइट लाइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, वो ग्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर वो आपको पता लग गया, अब वो समझ में आ गया, तो फिर आप कोई भी चीज़ आराम से बना सकते हैं और डिटेल वर्क भी अच्छा खासा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें किन किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है।